वेलकम बैक टू अवर चैनल। फिर एक बार आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है माइंड पॉलिटिक्स। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले आईपैड एयर 2020 मॉडल का। और अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने अभी तक ये मेरा आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो का अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन में आपको पॉपअप हो रहा होगा, तो जाइए जल्दी से जाके देख लीजिए और ये वीडियो देख लीजिए बाद में। और दोनों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के भी लाइक कर दीजिए और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि मुझे नहीं पता क्या करोगे लेकिन सब्सक्राइब होना चाहिए। तो चलिए सीधा चलते हैं अनबॉक्सिंग के लिए। और यहाँ पे हमारे पास ये एप्पल का बॉक्स और टिपिकल अच्छी खासी अपने बॉक्स की पैकेजिंग एप्पल की और हमेशा ऐसे ही रहती है। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ये एप्पल स्टाइल में सेम पुल टैप। और अगर इसके पुल करते ही हम देखने को मिलता है अंदर ये कुछ ऐसा बॉक्स। तो हमारे पास यहाँ पे हम दो कलर अवेलेबल है, ग्रीन और ब्लू, दोनों कलर के बारे में आज बात करेंगे। और हमारे पास दोनों ही वेरियंट अवेलेबल है, वाईफाई प्लस एक वाईफाई और वाईफाई सेलुलर के बारे में दोनों ही वेरियंट अपने पास अवेलेबल है। तो चलिए सीधा हम यहाँ पे रैप हटा देते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे पुल टैप दिया हुआ है। तो मेरे पास जो वेरियंट है जो कि वाईफाई वेरिएंट है वो 64GB का वेरिएंट है, वाईफाई वेरिएंट है ये। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बहुत सारे वेरिएंट। अगर वेरिएंट के बारे में बात कर दूँ यहाँ पे दो वेरिएंट अपने को मिल जाते हैं जो कि ये 64GB वाईफाई वेरिएंट जिसकी इंडिया में प्राइस है 54,900 यानी कि करीब करीब 55,000। और दूसरा वेरिएंट जो है वो है वाईफाई प्लस सेलुलर 64GB में जो कि जिसकी प्राइस जाती है 66,900। और दूसरा वेरिएंट जो है वो 256GB वाईफाई वेरिएंट है उसकी प्राइस है 68,900। और इसी का 256GB में वाईफाई प्लस सेलुलर का जो वेरिएंट जाता है वो जाता है 80,900 यानी कि करीब करीब 80,000। तो चलिए अभी सीधा करके तक कवर हटाते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। और ये हमारा कवर हट गया तो अनबॉक्स करते हैं यहाँ पे फर्स्ट। यहाँ पे और एक बात इंटरेस्टिंग बता दूँ, यहाँ पे जिस कलर का आईपैड होगा उसी कलर में आपको बॉक्स के ऊपर लोगो देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ मुझे लगा बताना की चीज़ें तो बता दिया। तो यहाँ पे बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं पहला इंप्रेशन हमको क्या देखने को मिलता है। तो यार खुल रहा है या नहीं खुल रहा है? ये खुल गया। तो ये है अंदर हमको देखने को मिलता है ये आईपैड। तो इसे रखते हैं अपन साइड में और देखते हैं अंदर क्या है। ये हमारे पास वाईफाई वेरिएंट है, आपको बता दूं यहाँ पे हमको बॉक्स के अंदर मिल जाता है यहाँ पे। तो इसको हम साइड में रखते हैं और पहले हम अनबॉक्स कर लेते हैं ब्लू वेरिएंट एज वेल। तो ये ब्लू वेरिएंट का बॉक्स अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इंप्रेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ हमको आईपैड देखने को मिल जाता है। इसे रख देते हैं हम ये ब्लू कलर में, हालांकि आपको ये ब्लू कलर नहीं स्पेस ग्रे कलर लग रहा होगा लेकिन ये ब्लू कलर है। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो कैमरे की रिंग के ऊपर, कुछ थोड़ा बहुत ब्लू एक्सेंट है लेकिन मुझे कैमरा में मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि ग्रे कलर है लेकिन ये ब्लू कलर है। आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरे के रिंग के ऊपर ब्लू कलर एक्सेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बॉक्स के कंटेंट के बारे में बात करो तो ये कुछ बुकलेट मिलता है इसके अंदर, पता ही है सबको क्या है। और नीचे हमको मिलता है ये 20W वाला चार्जर जो कि एप्पल ने, हालांकि एप्पल ने इंक्लूड किया है, काफ़ी अच्छी बात है। टाइप सी का चार्जर है और केबल हमको मिलती है ये टाइप, अब ध्यान से देखिए टाइप सी टू टाइप सी केबल है, मैं लाइटनिंग बोलने वाला था लेकिन ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है जहाँ पर हमको 2020 मॉडल में अपने को यहाँ पे आईपैड में टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हाँ ऐसा लग रहा है यहाँ पे अंदर अपने को यहाँ पे देखने को तो मिलता है कुछ क्विक स्टार्ट गाइड। और ये क्विक स्टार्ट गाइड है यहाँ पे जो जहाँ पे आप पढ़ के PhD कर लो। यार दो स्टिकर मिलते हैं, वाह, मतलब पिछले अनबॉक्सिंग में दोनों अनबॉक्सिंग में अपने को एक ही स्टिकर मिला था लेकिन यहाँ पे दो स्टिकर मिल जाते। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और आते हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर जो कि है आईपैड। तो इसका रैप हटाते हुए रैप की जो क्वालिटी होती है ना बहुत काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी तरह से पैक किया गया होता है ये आईफोन या आईपैड या एप्पल की कोई भी चीज़ ले लो। या फिर ये ग्रीन कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है एज वेल एज इस साइड में अपने को पूरे क्लीन डिज़ाइन मिलते हैं या फिर कुछ भी नहीं। और दूसरे साइड में अपने को मिलता है वॉल्यूम अप एंड डाउन। और ये नीचे जो है ये 5G का नहीं है, बाद में बताऊंगा क्या है। ऊपर की साइड में ये पावर लॉक अनलॉक बटन में अपने को मिल जाता है टच ID, दो स्पीकर और एक माइक। तो ये टच ID अपने यहाँ पे पावर की बटन में ही इंक्लूड की है, ये ना अच्छा इंप्रूवमेंट किया गया है। और नीचे के साइड में भी अपने को मिल जाता है दो स्पीकर और टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट। और बाकी ब्लू प्रोडक्ट के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं ये दोनों में, यहाँ पे देख सकते हो ये आईफोन 12 है और ये 12 प्रो है, दोनों ही ब्लू कलर में। ये तीनों ही प्रोडक्ट ब्लू कलर में है लेकिन देखने में अलग अलग कलर लग रहा है लेकिन ब्लू ही कलर में है ये। अगर स्पेशली ये प्रो और ये एयर के बारे में अगर बात करूँ तो ये ब्लू नहीं स्पेस ग्रे का कलर मिला है और ग्रीन और
अगर इसमें बात करूँ तो मुझे स्पेशली और एक खासियत बात अगर इसमें बता दूँ आपको, वाईफाई सेलुलर और वाईफाई में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ग्रीन वाला देख सकते हैं, यहाँ पे अपने पास ये सेलुलर मॉडल है वाईफाई का, तो यहाँ पे सिर्फ एंटीना आपको देखने को मिल जाए और ये जो वाईफाई मॉडल है उसमें एंटीना आपको नहीं देखने को मिल रहा है, बाकी सभी सेम है। और नीचे की साइड में भी आपको एंटीना का प्रेजेंस मिलेगा क्योंकि सेलुलर मॉडल है और वाईफाई मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये और वेट का फर्क कुछ ज्यादा नहीं है, मुझे नहीं पता आपको इसके बारे में पता होगा या नहीं पता होगा या इससे फर्क पड़ता है या नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेलुलर मॉडल की तो इसकी वेट है 460 ग्राम और वाईफाई मॉडल के 458 ग्राम, कुछ 2-3 ग्राम का फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मुझे नहीं पता ये नोटिसेबल है भी या नहीं भी, लेकिन यहाँ पे इसके आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर अपने को मिल जाता है एप्पल की A14 बायोनिक और 4GB की रैम। और कैमरे की बात करूँ तो कैमरा अपने को मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का F1.8 के साथ 4060 का सपोर्ट, यानी कि 4K60 का सपोर्ट। फ्रंट फेसिंग कैमरा 7 मेगापिक्सल विद सपोर्ट ऑफ F2.2 और 1080p के साथ, यानी कि ये अगर फ्रंट कैमरा भी 4K दिया होता तो मजा ही आ जाता। हालांकि ठीक है यार, 1080p से भी काम चल जाएगा अपना, इतना तो टैबलेट यूज नहीं करते तो हो जाएगा आईपैड से भी। और यह ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है और वाईफाई 6 का भी सपोर्ट मिल जाता है आपको आउट ऑफ द बॉक्स। और एप्पल यहाँ पे बोलता है कि ये बैटरी लाइफ 10 आवर्स तक चलती है, तो यूज करने के बाद पता चलेगा कितनी चलती है। तो चलिए हम अभी सीधा बूट अप स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन बात करूँ डिस्प्ले साइज की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10.9 इंचेस का डिस्प्ले अपने को देखने को मिलता है विद द सपोर्ट लिक्विड रेटिना IPS LCD डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले 500 nits तक ब्राइटनेस जा सकती है। और यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं तो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो ये एप्पल का लोगो आ गया। और इसको सेटअप करता हूँ तब तक के लिए आप कुछ छोटी मोटी स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। और इस आईपैड में आपको 5G सपोर्ट नहीं मिलता है, सिर्फ 4G सपोर्ट, 4G बैंड तक का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे कि मैंने डिस्प्ले के बारे में बता ही दिया, 10.9 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है आपको। और यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर सकते हो, पिछले वाले आईपैड में क्या होता था, टच आईडी नीचे बटन होता था, लेकिन यहाँ पे क्या टच आईडी नहीं है, ऊपर टच आईडी दिया है, तो ये डिस्प्ले साइज काफी बड़ा हो गया। तो ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं नोटिसेबल टच आईडी है। तो चलिए आप अभी सीधा सेटअप करते हैं टच आईडी। और यहाँ पे तो ये फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेता हूं मैं, जहाँ पर बहुत बार टैप 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 करना पड़ेगा। ये हो गया सेटअप। और आप बता रहे साइड फिंगर भी सेटअप कर लो, यानी कि ऊपर नीचे कर लो, यहाँ पे ये भी हो गया, तो ये करते हैं कंटिन्यू। और भाई कितना फिंगरप्रिंट सिक्योर होता है ये, ठीक है ये भी कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनली, इसे एग्री कर लेते हैं, ये भी एग्री बाकी है, एग्री कर लेते हैं। और ये हो गया पूरा का पूरा लोडिंग। और यहाँ पे पूछ रहा है बैकअप और वो, और मैंने बताया था ये साइड 5G बैंड के बारे में, ये 5G बैंड नहीं, यहाँ पे है मैग्नेटिक जो कि एप्पल पेंसिल को स्टिक करती है, यानी कि मैग्नेटिकली आप देख सकते हो ये खींच गई, अपने आप चिपक जाती है मैग्नेट के। और ये सेकंड जनरेशन पेंसिल को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि अभी तक आईपैड में 5G वेरिएंट नहीं आया, इसलिए ये सिर्फ एप्पल पेंसिल का मैग्नेट ही। तो यहाँ पे डिस्प्ले फर्स्ट इंप्रेशन में काफी बड़ा और काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर नेटफ्लिक्स देखने का मजा ही कुछ अलग आ जाता है। और अगर टच आईडी के फास्ट की बात करूँ तो टच आईडी काफी फास्ट है, लेकिन मुझे इतना अच्छा फास्ट नहीं लग रहा है। तो अगर आप देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आगे आप देख लो, ये लॉक हो गया और इसको मैंने एक बार दबाया ये, और ये अनलॉक हो गया, मतलब ये थोड़ा सा लैग हो रहा है, मतलब पहले अनलॉक हो रहा है फिर खुल रहा है। तो अगर ये आप पे डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो मतलब बात करने लायक है नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे अपने को वेरिएंट मिल जाता है, अगर अबाउट में जाते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट का जान दो, यहाँ पे अबाउट में जाते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स अपने को आईपैड ओएस 14 का सपोर्ट मिलता है। हालांकि ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स 14.1 का सपोर्ट मिल जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं मिलता है 14 का मिलता है तो वो भी कुछ बुरा नहीं है, अपडेट अपने को मिल ही जाएगा, शायद से अपडेट भी आ चुका होगा, अपडेट देख सकते हो तो यहाँ पे 14.1 का अपडेट आ ही चुका है, जो कि इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 500 MB का अपडेट होगा ये, 497 MB का, यानी कि 500 MB का अपडेट है। तो अगर यहाँ पे बात करें ये, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो मुझे बताइए ये आपको ग्रीन वेरिएंट अच्छा लगा या स्काई ब्लू वेरिएंट अच्छा लगा, तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब का बटन भी दबाते जाइए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे नीचे कमेंट में बताइए आपको स्काई ब्लू कलर अच्छा लगा या फिर वो स्काई ब्लू नहीं लगा, आपको स्पेस ग्रे लगा, कुछ कौन सा कलर आपको एग्जैक्टली लगा। हालांकि कैमरा में इतना अच्छा नहीं दिखा, मैंने देखा बाद में कैमरे का फुटेज, इतना अच्छा नहीं लग रहा था वो, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था स्पेस ब्लू कलर है या स्पेस ग्रे कलर है, लेकिन स्पेस ग्रे वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन आंखों से देखो तो वो स्पेस ब्लू ही था बॉक्स के हिसाब से। और आप कौन सा मॉडल प्रेफर करना चाहोगे, वाईफाई और या फिर वाईफाई प्लस सेलुलर,
दोनों में से कौन सा मॉडल लेना चाहोगे आप नीचे मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट में बताना मत भूलिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।